श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने साजे श्री पिया जी न पूजन इनविद कीजे फिर मूल स्वरूप चित में लीजे जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से नहीं काढ़े नजर नहीं कोई सुख इन समान अंगना तो कोट पेर कुर्बान अंगना तो कोट पेर कुर्बान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा हम सभी ब्रह्मात्माओं के समक्ष साक्षात विराजे धाम धनी मंचासीन विद्वत मंडल और सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजे श्री युगल स्वरूप की बैठक को बारंबार प्रणाम बारंबार नमः। सुंदरसार जी ऐसा नहीं है कि धामधनी की वाणी का मुझे कुछ ज़्यादा ज्ञान है या मुझे कुछ ज़्यादा नज़दीकी है। सभी सुंदरसार के धाम हृदय में हमारे प्राण प्रियतम हर पल बसते हैं। आत्म के हृदय में हर पल धड़कते हैं। हमारी नैनों की पुतलियों में हर पल उनका श्रृंगार सजता है। श्री श्यामा जी हमारे हाथी हर पल हमें हमारे जीवन में हिदायत देते हैं। तो ये एक सबूत है, एक आपस में रूहों का बैठक या सबूत के रूप में इसको लेंगे। और कोई भी सुंदर साथ यदि यहाँ पर धामधनी की मेहर को लेकर उनके चरणों की बरकत को लेकर बैठे तो हर सुंदर साथ चर्चा कर सकता है। हमारे सद्गुरु आदि श्री सरकार जी ने सभी सुंदर साथ को इतना योग्य बनाया है। वाणी मंथन से प्रतियोगिताओं से हर सुंदर साथ के अंदर वाणी को रोशन किया है। तो आरंभ करती हूँ सागर ग्रंथ की प्रकरण चौथा जिसमें श्री महामती जी ने फरमाया है नैनो राखूं नैनो राखूं मैं मांसुक नैनो राखूं मैं मांसुक मेरी रूपावे सुख मेरी रूपावे मेरी रूपावे सुख। ये उन्होंने अपने लिए ही नहीं कहा, हम सुंदर साथ के लिए भी ये बात है। आज हम सुंदर साथ का हृदय भी संसार में भटकता है, माया के थपेड़ों में फिसलता है, उलझता है। तो धनी ने यही बताया कि मेरी आत्म को यदि सुख चैन मिलता है तो मैं केवल केवल नैनों में अपने मासूम को ही बिठाऊं, उनके स्वरूप श्रृंगार को ही बिठाऊं। अभी जैसा हमने चर्चा में भी सुना कि एक धनी को मैं अपने नेत्रों में रखूं, एक धनी की पहचान जब तक नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं। तो एक धनी को पहचान कर अगर मैं अपने माशूक को
इन नैनों में राधा हूँ तो मेरी आत्म हर पल हर घड़ी परमधाम के उन सुखों में रमण करेगी, विलास करेगी। तो सुंदर सार जी, सागर ग्रंथ में हम सुंदर सार के श्रृंगार का वर्णन, हमारी रूहों की शोभा सुंदरता का वर्णन, हम कैसे सुंदर सार बैठा अचरज सो अपनी उस विनय को देखें। इस वाणी की रोशनी से अगर हम अपनी हकीकत को देखें तो हमारे मूल तंतु धाम धनि के चरणों में ही विराजित हैं। हमारा एक जैसा श्रृंगार, साड़ियाँ जुदे जुदे रंग की, कोई लाल कोई नीली कोई केसरिया कोई कपूरिया कोई फिरोजिया, अंग से अंग लगी हम सखियां, जैसा कल चर्चा में बताया सब रस सागर की भांति महकती खुशबू से झलकती जिनके नैनों में एक प्राण एक जान, ईश्व के श्रृंगार ईश्व के ही वस्त्र ईश्व के ही आभूषण, जिनके नैनों में केवल प्रेम ही प्रेम, जो धनी से केवल इश्क चाहती केवल प्रेम की ही बात करती, उनके श्रवण यदि सुनना चाहते तो केवल प्रेम की ही बातें सुनना चाहते, अगर उनके नैन देखना चाहते केवल धनी की सुंदरता को ही देखना चाहते, उनके दिल यदि धड़कते हैं तो केवल धनी की उनकी मुखारवियों की शोभा पर ही बलिहार जाने के लिए धड़कते हैं। उन अर्स गलियों में वो विचरण करती हैं, उन थम्पों की गलियों में हम सखियाँ विचरण करती हैं, वह मूल तंत्र हमारे ही तो हैं। हम अपने उन मूल तनों की बैठक को ध्यान करें, हम कैसे उन अर्स गलियों में रमण करते थे, कैसे उन थम्बों से पशु पक्षी साक्षात निकल आते थे, हमें अश्वारी के सुख देते, हमें रंग महल में हर घड़ी रमण करा के फिर थम्बों में हो जाते, और कोई कोई सखी तो मोहलों के आगे जो आए चबूतरे उन पर बैठकर केवल केवल धनी के मुखारवियों को ही देखा कर, उसके दिल में कोई चाहत ही नहीं कि मैं और सखियों की तरह विलास करूं, केवल पिया के मुखारवियों को ही देखती रहती, तो वह सुख आज हमारे कहाँ गए, कहाँ गई वह बन, कहाँ खेलना, कहाँ वह खेल, कैसे वो हमारे मेले, कैसे पशु पंखियों के चित्रामन, कैसे वो सुख। ये प्रकरण परिक्रमा ग्रंथ का 20वां और 21वां। अर्स जिमी जरे की रोशनी मावत नहीं आकाश, कब देखें सुख इन जिमी, जित बरसत नूर प्रकाश, ज्योत एक दरखत पात की, वो अंबर जिमी रोशन, धनी ए सुख कब देओगे हम अपने इन। अपने इन बावन धनी से हम ब्रह्मानंद पुकार करती हैं कि हे धनी, ऐसे वनों में कब ले चलोगे, ऐसे बागों में कब ले चलोगे, कोई वन श्याम कोई श्वेत कोई पीला कोई नीला, ऐसे सुंदर रंग बिरंगी वनों की चांदियाँ इतनी मुलायम गीलम, हम दौड़ती हैं हमारे साथ पशु पंखी दौड़ते हैं, इन फूलों में ये तितलियां सुंदर गुणगान करती मेरे पिया का स्वर पूर्ति, अर्जिनी जरे की रोशनी जहाँ तक मेरी नजर जाती आसमान में नूर ही नूर प्रकाश ही प्रकाश बरसता है, और सुख सातों घाट के और सुख दो ए सुख सब अरस के कब ले सी हम मिल। हम अपने उस सखियों के मिलाव को याद करें, हम गले में मैया डालें, मरपतियाँ
ठेकर दिया चले जाते हैं भमरी की तरह भमर दिया सुंदर श्रृंगार में एक जैसे श्रृंगार में ये हमारे नूर के तन चले जाते हैं इश्क का श्रृंगार सज के श्री जमुना जी में तो कभी साधु घाट में और वहां पर आए दोनों फूलों की बात धाम धनी हमें याद दिलाती है। इस जमुना जी के किनार पर नहीं ऊपर आए दो पुल केल का पुल श्री पट का पुल पांच भाव छठी जान जिसमें निकलते झरोखे छज्जे और नीचे श्री जमुना जी का जल घरनालों के रूप में चलता मधुर स्वर बोलता हमें बुलाता हम पाठ घाट में स्नान करती तो फिर बड़ों वन के वृक्षों से ऊपर ही ऊपर चांदनी से हम इन मोहलों में चली जाती इन पुल मोहलातों में जाती और छज्जों से कई सखियां एक दूसरे को ठिकरतियां विरास करती और जल में गिराती श्री जमुना जी में हम निरंतर जल क्रीड़ा करते धाम धनी से उन जल ये सुंदर सा जी ये जल नहीं ये मेरे पिया का इश्क है एक एक बूंद धनी का प्रेम है उनका इश्क है उसमें हम डूबती जल के जीव अस्वारी के लिए हमारे सामने आते फूलों की किश्तियां हमारे सामने आ जाती हम जमुना जी में इन फूलों की किश्तियों में तैरते चलते और कभी सातों वनों में चले जाते घाट जांबू अति शोभित जिमी जड़ाव किनारे जोई कई मोहल किनारे जवेरों बन शोभित किनारे सोए हम कभी जांबू बन में तो कभी नारंगी के बन में ये फल और अधिक रसीले हो जाते और अधिक प्रेम में भर जाते कि हमें हमारी रूहों को सुख देना है इन बनों में नहरों से चौक कटते और उन नहरों में चय बच्चे चलते शीतल बयार इन वनों में खूब खुशहालियां जवेरों की पुतलियां आ जाती हाट सजा लेती हमारे श्रृंगार की सामग्री रखती धाम धनी को श्रृंगार के लिए श्री श्यामा जी के श्रृंगार के लिए हर वस्तु झांझरी मुंगरी फूलों की सजे गले में हार फूलों के बने धनी के पाग पर कलंगी श्री श्यामा जी के शीश कमल पर राखड़ी सब फूलों की बनाई ये खूब खुशहालियां लेकर हाजिर हो जाती हम इन बन के हाट में सब सखियों संग खूब खुशहालियों संग रमन करते अपने धाम धनी का श्रृंगार करते कभी इन मीठे रस भरे फलों से धाम धनी को अरुगाते और धाम धनी भी अति प्रेम में अति लाड में उन फल और मेवों का सुख स्वयं पहले आरोपते और फिर हम सखियों को भी देते तो धाम धनी के दिल का प्यार उनका लाड उनका लज्जत पूरे हमारे दिल में ही उतर आता घाट नारंगी अति भला जानो कोई ना इन समान सो कब पावे सुख जीना जो हम लेती संग सुभान हम उन बनों के चौक में हैं नहरे आड़ी तिरछी चलती जहां नहरे कटती सुंदर चय बच्चे आते और वनों की डालियां आपस में गले मिलती प्रेम करती हुई मेहराब बनाती इन सुंदर मेहराबों में हिंडोले चलते फूलों के हिंडोले जिस रंग का बन उसी रंग के हिंडोले कोई लाल फूलों के हिंडोले कोई श्वेत इन मेहराबों में सजते मधुर स्वर पूरते हम सभी सखियों का मन होता कि धनी हम हिंद इन नहरों में इन छह बच्चों में झीलन के सुख लें और फिर इन हिंडोलों में सुख लें तो धनी हमारे दिल की बात पूरी कर दे ऊपर विराजत हिंडोले तरफ चारों शोभित ऊपर जल पुल लगते ऐ
सुख कहाँ गए अतंत। इन दोनों कुलों में पांचों भूमों में जो हिंडोले सजते, हिंडोलों में भी एक सामंजस्य होता, एक ताल में, एक सुर में एक साथ आगे आते, एक साथ पीछे आते, कोई हिंडोला न ज्यादा आगे न ज्यादा पीछे। धाम धनी के दिल से ये सारी नामते चलती हम सखियों के लिए। इस संसार में भी हमारे हिंडोले धाम धनी इसी तरह चला रहे हैं, एक समान प्रेम से, एक समान लाड से, एक समान लज्जत से हम उन सुख को बस महसूस नहीं कर पा रहे। ये वाणी, ये इलम की रोशनी में धाम धनी अपने सुखों की हमें याद दिलाते हैं कि एक एक उस हिंडोले के सुख को, उस झीलन के सुख को, धनी के लाड को इस वाणी से यहाँ महसूस करें तो धनी तो हमारे अंदर ही हैं। हमें ये निज सुख याद आए तो हमारी तो जागनी हो ही गई। क्यों कहूँ रे तीन भौम की जानो उज्जवल मोती शेत, ए सुख हमारे कहाँ गए जो इन भूमि ले। कभी कुंज बन की रेती में चलते तो कभी पश्चिम की चौगान में, ये रेती के कण दो कीने, दो कोने, तिकोने, चौकोने, हर रेती का कण या के प्रेम से भरपूर अलग अलग रंग में, लाल, नीला, पीला, पाच, नीलवी, अनंत रंगों में ये चमकती धरती जैसे नूर का प्रकाश ही प्रकाश पूरी परमधाम की जमीन पर ये रोशन नूर के सितारे जगमग करते, हमको बुलाते, हम इन उज्ज्वल रेती में दौड़ती, रमन करती, ठेका ठेक खेलती, पिया के संग खेलती, कुंज बन के मुहलों में चलती, इस रेती में रमन करती। किन विदले में सुख बन के क्यों हिंडोले ही चत, किन विदरुए अरस में माहो माहे खेल करत। ये जो मोहन बने, ये बेलियन के, ये फूलों के कुंज ने कुंज में दो भोग इसी जानने, ये फूलों के महल, कोई लाल पूरा फूलों का महल तो कोई श्वेत, कोई हरा, कोई नारंगी, कोई केसरिया, और इनकी चांदनियाँ सभी रंगों की ज्योति से महकती, जगमग करती, और इन पर चलते छोटे छोटे झुगनू जब हम इनकी चांदनी पर बैठते रमन करते तो हमें मधुर स्वर सुनाते। इन चांदनियों पर हम धाम धनी संग, श्री श्यामा जी संग विराजती तो कभी नवरंग भाई अपने पूरे चुप के संग निरंग के सुख देने आती अपने धाम धनी को। हम ही वो नवरंग भाई के चुप की सखियाँ, हम ही लाड भाई के चुप की सखियाँ हैं। हमारे अंदर एक वही प्रेम है, वही प्रकाश है, वही नूर है, हमारे श्रृंगार उसी इश्क के हैं। तो उस चीज़ को हम हमेशा महसूस करते हुए परिक्रमा ग्रंथ में रमण करें तो हमारे ये निज सुख हमें बहुत जल्दी याद आ जाते हैं। इन मंदिरों से जा सिंहासन छोटे चह बच्चे हिंडोले, कई फुहारें नहरें चले धनी हमें कब सुख देओगे। इन फूलों के मंदिरों में जाते तो सिंहासन भी, पलंग भी, श्रृंगार सामग्री भी सब कुछ फूलों की होती, कई बड़े छह बच्चे तो कई उनमें छोटे छह बच्चे भी। हम नूर बाग फूल बाग में बड़े बगीचे सौ तो उनमें सोलह सोलह बगीचे में छोटे फव्वारे, एक तार से, एक स्वर से ऊपर नीचे होते, एक संगीत की धुन पर सारे फव्वारे एक साथ चलते। हम जब रंगमहल के झरोखों में होती तो पश्चिम की दीवार पर, पश्चिम के झरोखे में ये फूल बाग के सामने 3000 ये जो फव्वारे आए, छह बच्चे आए, इनके सुख को हम याद करें। एक सुर में करोड़ों संगीत बजते, सितार बजते, मृदंग बजते, और ये फव्वारे उसके साथ निरंग करते। हम झरोखों में बैठकर इनके छवि को, इनके फव्वारों को पकड़ना चाहती तो खुद ब खुद ये
जल की तरंगे हमें भिगो देती, हमें धनी के इश्क में सदापूर ही कर देती। कहाँ सुख गलियां अर्श की माहो माही बांध के होड़, रूहे रेती में ठेकटियां दौड़तियां कर जोड़। उन अर्श गलियों के सुखों को याद करो, हम आपस में होड़ बांध लेती कि तू आगे या मैं आगे, या धनी से ही होड़ कर लेती, धनी चले हम भागने की रामत करते हैं, कभी कीकली की रामत करते हैं, आप दौड़िए हम आपको पकड़ दे। तो पिया तो चाहते ही हैं कि तुम मुझे सदा मेरे ही पीछे रहो, तुम्हारे नैनों में सदा मैं ही बसूं, तुम्हारी नजर कहीं और जाए ही नहीं। हम पिया संग दौड़ती हैं, ये कभी होड़ बांध लेती हैं। और होड़ की यदि बात करें तो श्री इंद्रावती जी ने जो पिया को दिल में बसाकर रास की रामते यदि हम पढ़ेंगे, जो होड़ उन्होंने लगाई कि सखियों देखना मैं धनी को कैसे अपने बस में करती, तुम गवाह रहना, और उन्होंने धनी को अपने बस में करके दिखाया। तभी तो धाम धनी ने उनको हक की पूरी शोभा दे दी, अपना सब कुछ श्री इंद्रावती जी को क्यों दे दिया। इतना बल लेके वो चली ना, इतना दावा लेके उन्होंने होड़ बांधी ना कि पिया हमारा प्रेम बड़ा है, ये मंगाया तो आप ही ने, ये उपजाया भी आप ही ने, तो अब इसको यहाँ भी आप ही पूरा करो, ये हमारे कॉल को आप ही पूरा करोगे। ऐसी होड़ सिंधी में आप देख लीजिए, कैसे रूहों के लिए उन्होंने होड़ की और धाम धनी को जीत के दिखाया। हम तो केवल श्रवण कर सकते हैं, उनके रास्ते पर चलना तो बहुत, ऐसा नहीं कहूंगी कि असंभव है, क्योंकि धाम धनी जिस पर कृपा कर दे, मेहरबान कर दे, उसके वजूद उनकी मेहर के हो जाते हैं। बन जो दो किनारों साम सामी सोभात, हारे चौकी पांच हार की पहुंची पुल पर छात। ये जो हमारे पुल चलते श्री जमुना जी पर दोनों पुल, इनके संग संग दोनों किनारों पर पांच मुझे वन भी चलते, उनकी डालियां भी प्रेम से लिपट जाती, एक एक भूम में थम्बों से ये डालियां अपने मिलन का सुख लेती, अपने प्रेम से उन थम्बों को गले लगाती, सुंदर मेहराबें बनाती। और हम सखियां भी इन पुलों की चांदनी से, इन वनों की चांदियों से होते हुए पूरी परिक्रमा कराते, चाहते तो दौड़कर रंग महल तक आ जाते, चाहते तो फिर से इन पुलों में जाते, चाहती तो जमुना जी ने छलांग लगा के कर दी, चाहती तो अक्षरधाम की तरफ भी जाकर हम वहां के भी सुख ले लेते। दो किनारे जो एक महल एक चबूतर, कहूं हेम रंग कहूं जवेर, अति शोभित वन पर। हम जब श्री जमुना जी में रमन करते फूलों की किश्तियों में, कभी मछलियों पर, कभी जल के जीवों पर, तो हमारे साथ साथ एक माहौल एक चबूतरा मरोड़ से चलता, एक माहौल एक चबूतरा हमारे ही लिए, हमारे बैठकों के लिए, ये छूटक छूटक देवरियां सब घाटों के सामने शोभित होती हमारे श्रृंगार के लिए। हम जब श्री जमुना जी में छीलन करती तो चार सखियां ऐसी थी, ऐसे उनके हृदय में आता कि हम पहले से छीलन के सुख लेके जल्दी से हम इन देवरियों में पहले श्रृंगार कर ले, क्योंकि फिर हमें धाम धनी के श्रृंगार का सुख लेना। उनको अंदर से ये रहता कि हम सबसे पहले आके श्री श्यामा जी के श्रृंगार का सुख लें, ऐसा नहीं कि हम जल क्रीड़ा में मस्ती हो गई, उनको ये लगता नहीं, हम पहले से और तैयार होकर कैसे राज्य की कलंगी तैयार कर लें, कैसे श्री श्यामा जी की राखड़ी तैयार कर लें, कैसे उनके चरण कमलों में हम उन आभूषणों को सबसे पहले मैं पहनाऊं, सबसे पहले ये होड़ रहते कि मैं उस सुख को सबसे पहले लूं। तो ऐसे धाम धनी अनंत अनंत सुख परम धाम में हर पल हमें देते हैं। ये परिक्रमा ग्रंथ का कुछ जपाइयां जो धाम धनी ने उपजाई कहने का प्रयास किया, इसकी आखिरी चौपाई दोहराती है। जमुना दो किनार के
मोहल ढापिल दो और तालाब तरफ जोए आए के। वे जमुना जी के भी बहुत सुख साथ साथ चलते थम उन पर छत उन पर देवरियों की शोभा दोनों तरफ दस दस और बीच में पांच ये 25 देवरियां अलग अलग रंगों की। कभी चितवन में देखें इन देवरियों में बैठना और ऊपर दोनों जमुना जी के किनारों से वृक्षों की सुंदर छाया फूलों की बारिश होना इन फूलों का महकना इन देहोरियों का सजना इन देवरों की नूर का रोशन होना और इस ढबी जमुना जी से ऊपर भी हम दौड़ लगाती और फिर नीचे कभी कूद जाती। इस प्रकार जमुना जी चलती धनी के प्रेम का ये रस चलता हम इस रस में चलती मरोड़ में आए हिंडोलों के सुख लेती फिर मोहल चबूतरों के सुख फिर देहोरियों के सुख फिर सातों घाट सात वनों के सुख फिर पाठ घाट के सुख फिर इधर केल पुल के पहले आएगा केल पुल का सुख फिर पाठ घाट का सुख फिर उसके आगे फिर देहोरियों के सुख तो फिर बट का पुल का सुख और फिर उसके बाद फिर से हिंडोले चलते एक महल एक चबूतरा और जल के ऊपर भी जमुना जी के जल पर हिंडोले चलते दोनों किनारों पर जल के ऊपर बड़े बड़े हिंडोले हम बारह बारह हजार सखियां इन हिंडोलों पर जल के ऊपर उस सुख को लेती और मरोड़ पर भी ये हिंडोले चलते और यहाँ से श्री जमुना जी मरोड़ खाती हौज कौसर की ओर बहुत शान से शौकत से चलती जहाँ नब्बे नब्बे देवरियां हमारे स्वागत के लिए श्री जमुना जी के स्वागत के लिए खड़ी और सामने हमारा 16 देवरी का घाट पूरा श्री जमुना जी के जल को धनी के प्रेम को अपने अंदर समाने के लिए तत्पर रहता और धाम धनी ने पूरा अपना प्रेम पूरा वेग पूरा इश्क उन 16 देवरी के घाट में उन थंबों को अपना प्रेम देते हुए बड़े वेग से आगे हौज कौसर में मिल जाते वहाँ के सुख अगले प्रकरण हौज कौसर के हैं। कभी धाम धनी हम सुंदर साहब को ऐसे सुख दें हम साक्षात उस लीला को अनुभव करें यही हमारी चाली है चौपाई मिलकर दोहराते हैं। श्री जमुना दो किनार के मोहल ढापिल दो ओर तालाब तरफ जोए आए के जाए माहे मिली मरोर जाए माहे मिली मरोर जाए माहे मिली मरोर। बोले श्री कान्हानाथ प्यारे की जय। पक्षों का बड़ी सरलता से सागर में गागर भर करके आप सुंदर साथ के हृदय में सब आत्म को झकझोर किया। वो जो है बड़े बड़भागी सुंदर साथ जी जो इस धर्म धारा धर्म धरा पर इस शिविर के माध्यम से यहाँ पर पधारे हैं। एक बहाना तो बनता है आने का लेकिन वही आ पाता है जिसे धनी बुलाते हैं वही परम धाम के 25 पक्षों का सुख ले पाता है। और जो धनी के संबंधी सुंदर साथ हैं निस्बती सुंदर साथ हैं वही परम धाम के 25 पक्षों का सुख लेता है। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये हमारे परम पूज्य सरकार साहब के त्रासे में हीरे उनकी माला के मोती सुंदर साथ है जो आज आप इस मंच पे आकर के अब सुंदर साथ के आत्म को उन्होंने तृप्त किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब बोलते हैं अर्जी परमाध्याय श्री अमर जीवना तो जी
शगुविद वलाली सामरत दिन में जत रोए रोए जन्म अंधियो में उठे सोचो देखो नहीं के करी जब तुम आप देखा Yeah.